हरियाणा में दादरी के गांव बलाली में 13 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय रेसलर विनेश फोगाट की शादी को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। मिली जानकारी के अनुसार शादी में उनकी दोस्त विदेशी पहलवान अपना रंग जमाएंगी और राजनेताओं सहित रेसलिंग से जुड़े पहलवान, अधिकारी, पदाधिकारी भी शादी में शिरकत करेंगे। बता दें कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार होने वाली मेहमानों के लिए स्पेशल हरियाणवी देसी घी का मेन्यू तैयार किया गया है। घर में विनेश की हल्दी की रस्म शुरू होने के साथ शादी की तैयारियां हो गई हैं। शादी पूरे रीति रिवाज और तमाम हिंदू रस्मों के साथ होगी। शादी के कार्ड से लेकर स्टेज तक सब कार्यों की तैयारियां कर ली गई हैं। तो 13 तारीख की शादी है, तो यही है कि सभी है। खाने में तो वही जो सिंपल पहलवानों के सूट करे, न ज्यादा चटपटा, सिंपल वेन्यू है बिल्कुल। और इसमें बाहर से सभी हलवाई है, चाहे वो टेंट वाले हैं, वो बाहर से मंगाए गए हैं। अभी तो कार्ड भेजे गए हैं, व्हाट्सएप कार्ड हैं, या और सिंपल ही जो रेसलर हैं, जो साथ के विनेश के हैं या सिस्टर और हैं, उनके साथ के जो रेसलर लगाओ, चाहे और कोई फील्ड में है, तो वो उन सभी को एक निमंत्रण दिया गया। और वो आएंगे तब पता चलेगा कौन कौन आ रहा है। हो सकते हैं अभी तो वो है कि निमंत्रण दिया गया और आने के बाद पता चलेगा कि कौन आ रहा है कौन नहीं। आज विनेश फोगाट जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है वो शादी के बंधन में बंधने जा रही है और उसके बाद से हमारी रस्म शुरू होती है हरियाणी रीति रिवाज के अनुसार। पहले हम उसको तेल चढ़ाते हैं, उसके बाद दही से झोल की रस्म होती है हरियाणी रीति रिवाज के अनुसार, दही चढ़ाते हैं। उसके बाद गाना, नाचना, कूदना सब इस किया है। हाँ हाँ जी, किया है। आज विनेश फोगाट, आज उसकी शादी होने जा रही है, आज वो उसको बांध बैठाया है। पहले तो हमने उसका जो हल्दी से उसका वो रस्म करी है हल्दी वाली, उसके बाद दही से जो करते हैं झोल जाल डालते हैं वो किया है, फिर कच्ची मिट्टी से लिपा है और ये रस्म से आज से शुरुआत हो गई उनकी शादी की। और अब नाच गाना सुन